रूट छः को संख्या रेखा पर निरूपित करें। रूट छः को संख्या रेखा पर निरूपित करने से पहले आपको रूट पाँच को संख्या रेखा पर निरूपित करते बनना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक साधारण से संख्या रेखा खींच के रखी है, ये जीरो है, यहाँ पे माइनस वन है और यहाँ प्लस वन है। यहाँ पर हमने दो दो सेंटीमीटर का अंतर लिया है। एक सेंटीमीटर का यदि अंतर लेंगे तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ये ब्लॉक्स हो जाएंगे, तो हमने दो दो सेंटीमीटर का अंतर लिया है। अब हम इसका शुरू करते हैं करना। अब जैसे हमें रूट पाँच को यदि हम संख्या रेखा पर निरूपित करें, तो एक मान लीजिए हमने समकोण त्रिभुज बनाया, इसमें ये है ए बी सी। ए बी मान लीजिए हमने दो यूनिट लिया और बी सी हमने लिया एक यूनिट, तो ए सी कैसे निकालेंगे? अब ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। तो ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा, ए बी कितना है दो इकाई और धन बी सी है एक इकाई, ये हो जाएगा दो दूनी चार और ये एक का एक। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, ये हो गया चार और एक पाँच, ए सी बराबर कर्णी पाँच। ए सी का स्क्वायर बराबर पाँच, तो ए सी बराबर कर्णी पाँच, क्योंकि स्क्वायर पक्षांतर होकर रूट बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हमने दो और एक ही क्यों लिए, क्योंकि हमें यदि ये कर्णी पाँच प्राप्त करना है तो ये किन्हीं दो संख्याओं से मिलकर ही बनेगा। एक संख्या पूर्ण वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग चार होता है, और दूसरी संख्या एक हो सकती है, एक का वर्ग, क्योंकि एक ही होता है। अब देखिए जैसे कि कर्णी चार है तो इसका मान क्या होता है दो, और कर्णी पाँच, कर्णी छः, कर्णी सात और कर्णी आठ, और इसके बाद जो कर्णी नौ होता है इसका मान कितना होता है तीन। तो ये जो कर्णी छः है ये किस किस के बीच में आएगा, दो और तीन के बीच में यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये देखिए कर्णी चार बराबर दो है और कर्णी नौ बराबर तीन है। तो अब जो पाँच छः सात आठ ये सब दो और तीन के बीच में आएंगे। अब हम शुरू करते हैं, जब दो और तीन के बीच में आने हैं तो हम दो पर एक नब्बे अंश का कोण बनाएंगे। अब इसमें हम ये नाप कर ही ले रहे हैं, आप बिना नाप के भी ले सकते हैं इसको, अभी सिर्फ हमें नब्बे अंश का कोण बनाना है। यहाँ से ये दो आर्क लगाए हमने, ये एक ऊपर की ओर और इसको पहले वाले काट देंगे, तो ये बन गया हमारा नब्बे अंश का कोण। अब इसको हम मिला देंगे। अब ये देखिए ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस थी, ये जो हमने ली थी, इसी का आर्क एक हम इस नब्बे अंश के कोण की लाइन पे बनाएंगे। ये आया हमारा यहाँ पर हल्का सा ऊपर तरफ। अब इसको हम मिला देंगे, किससे? जीरो से मिलाएंगे। ये हमें क्या प्राप्त हो गया, ये इसको हम नाम दे देते हैं, ये ए बी और इसको हमने नाम दे दिया सी। ये हो गए हमारे ए बी सी। अब ये देखिए समकोण त्रिभुज है तो ये ए सी की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, ए सी ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ए सी की लंबाई ज्ञात करने के लिए ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग और धन बी सी का वर्ग। सेम यही कंडीशन बन रही है जो अभी हमने किया है, ये पूरी इकाई दो है और ये इकाई है हमने एक पे, इस पे हमने मार्क किया है एक पे, तो ये पूरा का पूरा यही प्रोसेस यहाँ तक फॉलो करेंगे हम। तो इसकी ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कर्णी पाँच, क्योंकि ये दो इकाई है और ये है एक इकाई, यहाँ से यहाँ तक हमारी दो इकाई है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो इसका मान तो आ गया ए सी का कर्णी पाँच। अब ये जो कर्णी पाँच है इस पर हम एक पुनः नब्बे अंश का कोण बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसी से हमें कर्णी छः मिलेगा यहाँ कहीं। अब कर्णी पाँच को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, ये जो यहाँ पे हमें मिला है ना ये पॉइंट, इसको हम यहाँ पर पूरा एक आर्क लगा के बनाएंगे, तो यहाँ कहीं हमें कर्णी पाँच मिलेगा। अब चूंकि यहाँ पर हमें सिर्फ कर्णी छः निकालना है इसलिए हम कर्णी पाँच को सो नहीं करेंगे, अभी हम संख्या रेखा पर, अभी हम सिर्फ कर्णी छः को करेंगे। यहाँ पर हम एक नब्बे अंश का कोण बनाएंगे, ये अब यहाँ पर ये जो हमने लिया है ना यहाँ दो दो सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ये, तो बस हम इसको यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे इस वाले पे,
अब ये जो हमें पॉइंट मिला है यहाँ, इसको हम मिलाएंगे ओ से। ये मेरा उतने ही आर्क खुल गया है, आपका कम ज़्यादा भी हो सकता है, बस हमें इस लाइन पे इस डॉट से मतलब है। ये इतनी ही होगी जितना, 1 सेंटीमीटर ये है, 1 इकाई जो हमने लिया था, बस इसी पे ये टच करेगी। इसको हम यहाँ ओ से मिला देंगे। ये जो हमें लाइन प्राप्त हुई है ये कर्णी 6 होगी। अब हम बताते हैं ये कर्णी 6 कैसे हो गई। ये देखिए, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी और ये हो गया डी। अब ये समकोण त्रिभुज ए सी डी बन गया एक। ये यहाँ पर एक समकोण है, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में ए डी का वर्ग बराबर ओ सी का वर्ग, सॉरी ए सी का वर्ग और धन सी डी का वर्ग। ए सी का वर्ग धन सी डी का वर्ग बराबर ये ए डी का वर्ग। ये 0 है, ये ओ नहीं है ये, और इसका नाम है ए। तो ए डी का वर्ग कितना हो जाएगा, ए डी का वर्ग बराबर ए सी कितना है, कर्णी 5 का स्क्वायर प्लस सी डी, ये हमने 1 इकाई लिया था तो सी डी है 1 का वर्ग, कर्णी 5 गुणा कर्णी 5 कितना होता है 5 और धन 1 गुणा 1, ये हो गया 5 और 1 6। अब ये ए सी का वर्ग बराबर कितना आया था हमारा 6, इसको हम फिर से लिख देते हैं, ए सी का वर्ग बराबर 6। तो ए सी बराबर हमारा हो गया कर्णी 6। अब ये आ गया हमारा कर्णी 6, लेकिन अब इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसके लिए ये जो हमारा ओ डी है, सॉरी ए डी, इसकी हम लेंथ नाप लेंगे और सेम यहाँ से एक हम आर्क लगाएंगे यहाँ तक। ये जो आर्क है ये इसको संख्या रेखा पर जिस बिंदु पर टच कर रहा है ये है कर्णी 6। ये जो बिंदु आया है ना इसको हम नाम दे देते हैं ई। ये है ए डी ए ई बराबर कर्णी 6। ये जो पूरा आर्क है सिर्फ इस आर्क के लिए हमने इतना सब किया है, ये हमारा कर्णी 6। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। यदि इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कर्णी 6 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए एक और वीडियो बना सकती हूँ। ये प्रस्तुति 10 फिंगर्स चैनल की ओर से थी, देखने के लिए धन्यवाद।